दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हमने जो ये आप देख रहे हैं ये जो कैबिनेट देख रहे हैं आप ये केचोटा चाइना कंपनी का जो मोबाइल है कीपैड वाला उसका है और इसका जो ये मदरबोर्ड है उसे पूरी की पूरी मैंने इसे निकाल लिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस मोबाइल के अंदर में जो है पिन कोड लगा हुआ है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इस मोबाइल के अंदर में पिन कोड लगा हुआ है और इस मोबाइल के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको भी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाते हैं कि इस मोबाइल का जो लॉक लगा हुआ है इसमें पिन कोड लॉक किस तरह से इसे हम अनलॉक करेंगे, क्योंकि इसे हम अनलॉक कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा है, इसमें बूट डाटा एरर लिख रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो चार्जिंग कनेक्टर आप देख रहे हैं ये कनेक्टर बिल्कुल इसका सही है, बिल्कुल कंप्लीट है इसका कनेक्टर, लेकिन फिर भी यहाँ से जो हमारा मोबाइल बूट नहीं कर रहा है और मजबूरन हमें जो यहाँ पे पीसीबी केबल का इंतजाम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे पीसीबी केबल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि RX TX वाला जो पीसीबी केबल है इसके जरिए से हम इस मोबाइल को बूट कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेडिकल बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे RX TX कनेक्शन लिखा हुआ है तो दो गो वायर जो हमने यहाँ पे RX TX कनेक्शन पे हमने यहाँ पे जो है सोल्डिंग कर दिया है इसे। उसके बाद यहाँ पे दो गो वायर जो आप देख रहे हैं पीसीबी केबल पे एक नंबर पे और एक सात नंबर पे मैंने यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर दिया है। तो पीसीबी केबल में एक नंबर से लेकर के 24 नंबर तक पिन होता है, इसके बीच में आप जिस भी पिन में आप सोल्डिंग करेंगे उसी पिन को आपको जो है अपने मेडिकल बॉक्स में उसे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से आप इस पीसीबी केबल को जो है अपने मदरबोर्ड से अपने मोबाइल के मदरबोर्ड से इसे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है पीसीबी केबल में। ठीक है, तो इस केबल में भी यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है पीसीबी केबल में, उसके बाद मेडिकल बॉक्स का जो केबल है इस केबल में भी निशान लगा हुआ है। तो निशान को आमने सामने रखना है और आपको जो है इसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल बॉक्स में जो हमारा जो वायर है दोगो, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनस एक प्लस का वायर है। तो आपको ये माइनस प्लस वायर जो है आपको बैटरी कंट पे लगाना है मोबाइल के, जैसे प्लस वाला वायर मैंने मोबाइल के बैटरी कंट पे प्लस पे पॉइंट पर लगा दिया है। उसके बाद माइनस वाला आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहां भी ग्राउंड सर्किट है मोबाइल का आप वहां पे लगा सकते हैं। जैसे सिम सॉकेट के अंदर में जो है आप देख रहे हैं कि सॉकेट के ऊपर में ग्राउंड आता है अर्थ, तो हमने यहां पे ग्राउंड में उसको लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बता दूं मैं आपको कि आपको मोबाइल बूट कराने के लिए कोई बूट की आपको नहीं दबाना है, क्योंकि अगर SPD CPU है तो आपको बूट की दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर MediaTek है तो आपको बूट की आपको प्रेस करना होगा, आपको पावर की दबाना होगा। ठीक है, तभी आपका मोबाइल बूट करेगा, लेकिन अगर आपका SPD है तो ये इसमें आपको बूट की दबाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये मोबाइल बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना मेडिकल टूल ओपन कर लिया है, उसके बाद मुझे कंफर्म पता है कि SPD है तो मैंने SPD टूल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बूट नंबर हमें पता है कि इसका जो है बूट नंबर जो है 6531 है, तो 6531 यहाँ पे IC नंबर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप PCB केबल द्वारा अगर करेंगे तो आपको बूट नंबर कन्फर्म पता होना चाहिए। उसके बाद हमने फोन पिन आउट पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक RX TX है तो RX TX पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए PCB केबल में मैंने जो जिस पिन नंबर पे मैंने वायर को जम्पर किया था उस पिन नंबर को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने एक नंबर पे TX को सिलेक्ट किया था, एक नंबर पे मैंने TX को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सात नंबर पे मैंने जो है RX को सिलेक्ट किया था, तो सात नंबर पे मैंने RX को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यानी PCB केबल में जो भी वायर आप जहाँ जिस नंबर पे लगाएंगे तो वही नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई दे देना है। अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे रीड करना है, अनलॉक करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मुझे इस पिन को जो रीड करना है कि इसका पासवर्ड क्या है मुझे देखना है, तो मैंने रीड अनलॉक पे चेक लगाया और स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये मोबाइल जो है बूट नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि इस मोबाइल को बूट नहीं कर रहा, तो हमें ये जो RX TX कनेक्शन मैंने यहाँ पे दिया था ऊपर में जो है जो एक नंबर पे मैंने जो TX सेलेक्ट किया था और सात नंबर पे मैंने RX सेलेक्ट किया था, तो इन दोनों को हम आपस में पलट देंगे। ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का हम ऊपर कर देंगे। उसके बाद फिर से हम जो यहाँ पे जो है इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम फिर से ट्राई करेंगे कि हमारा मोबाइल जो यहाँ पे बूट करता है या नहीं। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल बूट कर चुका है और हमारा जो पिन जो यहाँ पे रीड होने की कोशिश में था, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है और ये जो है मतलब हमारा मोबाइल जो है इसका पिन जो है रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, शायद इसका जो है जो CPU है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मोबाइल को जो है पूरी तरह से कम्प्लीट रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हमें अब करना क्या है कि हम इसे फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, अगर हम इसे फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट करने में अक्सर होता क्या है दोस्तों कि अगर इस तरह का अगर आपके पास प्रॉब्लम आए और पिन कोड लगा हुआ है मोबाइल के अंदर में चाइना कंपनी का कोई भी कीपैड वाला मोबाइल में पिन कोड लगा हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बूट डाटा एरर लिखता है या एरर ID लिखता है, तो आप इस मोबाइल को अगर फॉर्मेट करेंगे तो मोबाइल तो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इस मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे नहीं और इस मोबाइल को हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल है उसे हम रीड कर लें। ठीक है, तो चलिए इस मोबाइल का फ्लैश फाइल को पहले हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये मोबाइल का फ्लैश फाइल रीड होता है कि नहीं। अगर रीड होता है इस मोबाइल का फ्लैश फाइल तो इस मोबाइल का जो है पिन कोड अनलॉक कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं इस फ्लैश फाइल को, इस मोबाइल के। तो चलिए आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल है वो रीड हो रहा है और हमारे कंप्यूटर में ये सेव होगा। और कम्प्लीटली अगर इस मोबाइल का फ्लैश फाइल रीड हो जाएगा तो इस मोबाइल को हम जो है अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल का फ्लैश फाइल जो है रीड हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मोबाइल को अनलॉक करेंगे। तो अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड के नीचे में यहाँ पे फुल अनलॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो यहाँ पे इसे चेक लगाएंगे फुल अनलॉक पर, उसके बाद हम डायरेक्टली स्टार बटन पर क्लिक करेंगे। और जब हम स्टार बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो हमारा फ्लैश फाइल पूछेगा, तो वो फ्लैश फाइल जो हमने रीड किया था उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है उसका पिन दिखा देगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो पिन कोड जो है अनलॉक पिन कोड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी पिन कोड को चलिए अब हम इसमें डाल करके ट्राई करते हैं इस मोबाइल में कि इस मोबाइल का जो पिन कोड जो है ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका जो है सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल में बैटरी लगा के इस मोबाइल को ऑन करके और जो पिन हमारे मिरेकल टूल में वहां पे शो किया था, ठीक है, 2018, उसी नंबर को हम यहां पे डाल करके जो है इसे ट्राई करते हैं कि ये मोबाइल जो है वो पिन से ये मोबाइल अनलॉक होता है या नहीं होता। चलिए हम यहाँ पे डायल करते हैं 2018, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 मैंने डायल कर दिया है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे ओके करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिन जो है वर्क कर चुका है और ये मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है सक्सेसफुली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।